इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर शेयर के बारे में। इसके ऊपर क्या अपडेट है, इसके ऊपर क्या एसएम लिस्ट की बात सही है या नहीं है, और 20 सितंबर याद क्यों रखना है, इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है ऐसी जो 20 सितंबर याद रखना आप, और क्या बोनस की बात सही है या नहीं है। हम काफ़ी ढेर सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स, कल इसमें नेगेटिव क्लोजिंग थी इसकी, मतलब दोस्तों कल स्टॉक में आपको 0.26% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ पे पॉइंट इसका ध्यान रखना आप। हाँ चलो दोस्तों, 15.44 रुपीज़ पैसे के आसपास ही कल की क्लोजिंग है यहाँ पे। ठीक है, अच्छी क्लोजिंग है, यहाँ पे कुछ खास भी नहीं है, लेकिन काफ़ी बातें निकल के आ रही कि क्या 15 का स्टॉक 10 पे आएगा या नहीं आएगा। देखो दोस्तों, ये बात असंभव है इसके लिए, अभी के हिसाब से बोलूँगा मैं आपको, तो क्योंकि 15 रुपये का स्टॉक एक 10 रुपये आना काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में ये। हाँ, अगर कोई बड़ी बेड न्यूज़ आती इस कंपनी के ऊपर, सबसे बड़ी बेड न्यूज़ आती जाती है, तो दोस्तों हो सकता है कि 15 का स्टॉक आपको 10 रुपये भी देखने मिल सकता है, लेकिन असंभव है ये। रही बात एसएम लिस्ट की, दोस्तों स्टेज 3 पे है अभी कंपनी, हो सकता है कि 20 सितंबर के बाद ये स्टेज 2 पे आ सकती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे को एसएम लिस्ट की, मैं आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। रही बात बोनस की, 20 सितंबर याद रखना दोस्तों, 20 सितंबर के आसपास एक बोर्ड मीटिंग होने वाली कंपनी की। अगर बोर्ड मीटिंग में कंपनी का फैसला आता है बोनस का, तो अच्छी बात है। मेन इसका मतलब यही है कि 20 सितंबर याद रखना आप। एसएम लिस्ट की एक तो अपडेट है 20 सितंबर के आसपास, और बोनस की भी अपडेट है 20 सितंबर के आसपास। इसमें बोर्ड मीटिंग भी होगा इसके आसपास, तो इसका मतलब ये है 20 सितंबर याद रखना आप। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।